धरती और स्वर्ग के बीच का फासला तय करके आखिरकार उसे वो मोती मिल ही गया। वो मोती जीवन से ऊर्जा पाकर मजबूत और ताकतवर बन गया। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर वो उग्र हो गया। मोती पर अंकुश लगाने के लिए महागुरु टीएन सत्संग ने अपने दो शिष्यों को भेजा। हाँ, यह मैं हूँ ताइजेंग रैम। यद्यपि दिखने में और पिल्ले के समान हूँ, मैं वास्तव में शांत और आकर्षक हूँ। मोती, आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। शेंगुन बाओ, आप उसे डरा रहे हैं। आओ, मेरे चाचा के पास आओ। चलो भी। अब ये संभालो, जीवन ऊर्जा। हद है, थोपड़ा बिगाड़ दिया। अपने बाप का राह समझ रखा है। अब मार के दिखा। बस मेरा थोपड़ा छोड़ के कहीं भी। महागुरु, मैंने मोती को पाप शक्ति और पुण्य शक्ति में विभाजित कर दिया, मगर पाप शक्ति वाला मोती बहुत खतरनाक है। मैंने उसे शाप दिया है, 3 साल में इस दुष्ट मोती पर बिजली गिरेगी और ये नष्ट हो जाएगा। तब तक इन्हें संभाल कर रखो। ली जिंग ने आदमी को चुना। मोती की ऊर्जा तीसरे पुत्र को जन्म देगी। यह समस्या अब मैं तुमको देता हूँ। कुनलुन को इसके बारे शासकों की आवश्यकता है। अगर आत्मा और मोती की ऊर्जा का मिलन हो गया तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। धन्यवाद महागुरु। मोती जब इंसान के रूप में प्रकट हो तो उसका नाम नेजा रखना। अरे तुम भी तो भूखे हो ना, ये लो। हटो, ध्यान से। प्रभु के आगे शीश झुकाकर प्रार्थना करो। 3 साल से प्रार्थना करके क्या मिला? ऐसे मंदिर को तोड़ ही देना चाहिए। स्वागत कीजिए सल स्टाइल और झेंग ताइजेन का। एक मिनट रुकिए।
स्वागत है आपका। मैं तो बस तीसरे राजकुमार को ढूंढने आई हूँ। हमने एक नया गीत लिखा है, मैं अभी सुनाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन कृपया शोर मत कीजिए। मुझे दर्द हो रहा है। लगभग आ धन्य हो। मैंने सुना आपको शराब पसंद है। यह पीने का समय नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं। फिर मुझे जाने की आज्ञा दें। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, चले जाओ। और यह भी ले जाओ, बेवकूफ कहीं का। चलो प्यारे दोनों, कुछ घूट पी लिए जाए। मजा आ गया है ना प्यारे दोनों, पी जाओ। अब तीन दिन तक सोते रहो। महागुरु ने अभी मंत्रित किया है, केवल ताई ही वापस ले सकता है। मिस्टर ली ने सातोगी को बुलाया है। महोदय शायद यही सही समय है। क्या मामला है? वह नशे में है, मैं उसे जगा रहा था। जल्दी कीजिए, चलो परेड में चलते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बदतमीजी है। महोदय पहले ही देर हो चुकी है। दुर्घटना से देर भली। मुझे एक बुरा सपना आया। गुरुजी जल्दी कीजिए, कमल खिलिए। हाँ अब सब कुछ होगा। आपको किसका इंतजार है? मैं वो मंत्र भूल गया। मारो। उन्हें याद रखना कठिन था, अभी तो याद था। अभी अभी बस चार प्रयास बाकी हैं। ऐसा कैसे? शायद तीन। आपकी एक गलती और कमाल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जल्दी ओम फट स्वाहा। अरे रुको, अरे संभल के। याद आ गया, ये तो फिंगरप्रिंट का जमाना है। जिन्जन्सा। अरे वहां फ्री में दारू मिल रही है, कहां पे? मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस पर एक अभिशाप है। और ये भी अभिषिप्त है। आपको मोती चाहिए तो आकर ले लो। ठहरो। अरे नहीं,
पकड़ लिया। अच्छा जहाँ तुम फालतू जलालतू आई बला को टालतू लगी महफिले हुआ तमाशा देखे सब है फालतू। वापस जाओ बाल दानव, वही रुको गुरुजी, वो बाल दानव है, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ जान, मेरी बेटी को मत छू, उसे कुछ न करना। लेकिन मिस्टर ली, इस बाल दानव का जिंदा रहना यहाँ के निवासियों के लिए अच्छा नहीं होगा। मनुष्य और दानव एक साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ हमारी सुरक्षा के बारे में सोचो, हमें बुराई से बचाओ। वहाँ नहीं। बधाई हो मिस्टर ली, मेरी संवेदना। देखो, डरो मत बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। गुरुजी और सभी लोग, हमारा परिवार बहुत अभागा था, मगर इस बच्चे की क्या गलती है? वो कसूरवार नहीं, वो तो खुद बदकिस्मती का शिकार है। हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते। मैंने झोए का ध्यान रखूंगा, वो किसी को भी हानि ना पहुंचाए पाए। अगर वो किसी का नुकसान करता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। अगर हम उसे जिंदा भी छोड़ देते हैं तो भी वो 3 साल बाद मर जाएगा। महागुरु ने क्रूर मोती पर शाप दिया है, 3 साल बाद उस पर बिजली गिरेगी। मैं अभिशाप नहीं हटा सकता। मैं इस बारे में तियानजोंग से निवेदन करने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बेटे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। करो जीवन का ये गहना किसी ड्रैगन के अंडे में रख दो और मेरा बेटा अजय हो जाएगा। उसे हराने वाला स्वर्ग में भी कोई नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा,
यह मेरा बेटा आओबिन है, यह आपका शिष्य होगा। मगर आपको उसे नर्क के दरिया से बचाना होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं कुंडलुन का 12वां स्वामी बनने के योग्य हूँ। अगली बार बस अपना सर हिला देना। यह जादुई द्वार महागुरु तीसरी दुनिया से बाहर है। यह द्वार उसके लिए एकमात्र रास्ता है। महागुरु के दो छात्र हैं, ताई जैन और चैन हैं। खैर ताई आई, आपको अपनी गलती का एहसास है? मैंने महसूस किया, इन लोगों के लिए नहीं। बहुत बहाने हुए, तुम पहले क्यों नहीं आए? बकवास आदमी, मुझे अकेला छोड़ दो। इस द्वारपाल और मेरे महागुरु को सुधार दिया, बहुत कष्टप्रद। बोल्ड, फिर ऐसा मत कहना। वह चुप रहो, मैं और झेंग ताई जैन, मैं चिटुनगुआन का जी लिंग। ठीक है, मैं अब और अकेला नहीं रह सकता। चलो एक कप चाय हो जाए। कुछ देर पहले तक तो कोई बात नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया? हम चाहते हैं कि आप मुझे जोंग को रोकने का रास्ता दिखाएं। क्या महागुरु और महागुरु के चाचा के एक जादू के दरवाजे से गुजरे? और आपका क्या उद्देश्य है? आप ढूंढ सकते हैं, मुझे बताओ। हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो स्वर्ग के अभिशाप को हटा सके। एक अभिशाप? आप जोंग तियान के लिए खोज कर सकते हैं, लेकिन आप शाप को हटाया नहीं जा सकता। धरती के लोगों का यहाँ एक दिन से ज्यादा रुकना मना है, इसलिए यहाँ जरूरत से ज्यादा देर ना रुके। हमें वापस जाना चाहिए, बच्चे की मदद कैसे करें ये सोचना होगा। अपने ही घर में नजरबंद रहना कितना बेकार है, ये सजा है, कुछ भी नहीं कर सकते। हर समय आलस ही आलस, मैं थक गया हूँ और मैं अकेला हूँ। नेजा, आप वहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर नहीं छोड़ सकता और फिर मेरे साथ खेलना कोई नहीं चाहता। अच्छा तो मुझे बताओ, तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है? पहाड़, पेड़, फूल, उदासी। क्या कह रहा है ये? चलो हम खेलते हैं। चलो भी, आपको शैतानों को वहाँ से भगाना होगा। किस्मत वाले हैं आप, वरना उनको बेटे के लिए समय कहाँ मिलता है। हाँ, माँ को काम भी होता है ना, पर अब से पक्का माँ तुम्हें सबसे ज्यादा समय देगी। पर माँ को काम भी होता है ना बच्चा। मगर आज कोई काम नहीं, आज हम बस आपके साथ खेलेंगे। खैर, अगर समय है तो चलो खेलते हैं। तो ठीक है, चलो। मोहतरमा, आप कवच पहन लीजिए। क्या सच में हम बच्चे के साथ खेल रहे हैं? फेंक दो इसे। आओ खेले। मैंने पकड़ लिया। माँ आप ठीक हैं? नहीं, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कवच ले आओ। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, खुद को मत रोको, तुम लोग भी खेलोगे। लेडी, आप आराम करना चाहेंगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो तो वो कितना खुश है, क्या उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन अब हम थक चुके हैं। राक्षस के मछली पकड़ने के गांव में दर्जनों लोग घायल हुए थे, मदद के लिए पुकारा। मैम शिकार करती है। बेटा आज के लिए काफी है ना? माँ वादा करती है अगली बार और ज्यादा खेलेंगे, ठीक है?
मुझसे बात मत करो, मुझे अब इसकी आदत है। शाम को माँ तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। ठाई का आदेश है कि तुम दोनों यहाँ रखवाली करोगे। याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेजी कोई शरारत मत करना। चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। पिछली बार उसकी गलती थी। मैंने थोड़ा बकवास, मेरी नहीं उसकी गलती थी। मैं नहीं मानता, मैंने तो सभी आदेशों का पालन किया था। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। आओ, मैं भी नहीं डरता। हाँ हाँ, निडर। सुनो सुनो, गुर कह रहा है। मार मत मुझे, मैं कहता हूं छोड़, रुको। सांप आया, मुक्का खाओ। रुको, दो भागो। तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। सब छुप गए। बस हमें वापस लड़ना चाहिए। लेकिन हम नेजा से नहीं लड़ सकते। बकवास मत करो, हमें उस दानव से छुटकारा पाना ही होगा। अगर अपने परिवार की चिंता नहीं है तो लौट जाओ अभी। बड़के भैया, मेरे पास आइडिया है। तुम्हें किसने बुलाया, बोलो। हमें नेजा के लिए एक जाल बिछाना होगा। जाल? देखो, वो पगडंडी से जा रहा होगा, वो फिसलेगा, नीचे गिरेगा, चौक जाएगा। उस पर चाकू खंजर गिरेंगे, वो चौक जाएगा। मान लो वो बच भी गया तो? वो फुर्तीला है ना, तो पास बड़ी चट्टान से कुछ ला जाएगा। वो भागेगा, छुपना चाहेगा, मगर यही सबसे बुरा प्लान होगा। वो पेड़ की एक टहनी पर गिरेगा, जहाँ लिपटा होगा एक जहरीला सांप। वो घबरा कर फिर से गिरेगा और साथ में गिरेगा मधुमक्खी का छत्ता। खुद को बचाने के लिए उसे कीचड़ में कूदना पड़ेगा। उस कीचड़ में वहाँ सांस नहीं ले पाएगा।
बिद्दे में दिमाग तो है, होशियार हो। मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है। तुम्हारा प्लान अच्छा है, मगर इस नेजा के लिए इस तालाब को थोड़ा और नमकीन बनाना होगा और सुसू करके। वैसे ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या बोला? उसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। ठीक ठीक, जैसे ठीक समझो। अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, मैं बहस नहीं करूँगा। रुको, बस एक दिक्कत है। ये क्या दिक्कत है? आप पुल पर नेजा को कैसे बुलाएंगे? ओहो, कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? लेकिन कैसे? ओ, ऐसे। समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए हो। सुस्नान करके कैसा लगा? हाँ बड़े भैया, नेजा ने मुझे काट लिया और कपड़े चुरा लिए। तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया। हाँ, हम फिर मिलेंगे। मर जाओ तुम दानव की औलाद। क्या बोले तुम? तुम दानव की औलाद हो। नेजा, बस करो। पहरेदार, हाँ, क्षेत्र कम करो। नेजा को घर से जाने मत देना। जी जनाब। बस मुझे माफ करना, हमने कोशिश की लेकिन शायद यही उसकी किस्मत है। नेजा इतना भी शैतान नहीं है, मगर उसके साथ के बच्चे उसे अपनाते नहीं। इतने समय से मैं नेजा को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सब बेकार हो गया। मैं उसे पूरा समय नहीं दे पा रही। अब वो 2 साल का हो गया है। शायद हमें ये जगह छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए। आखिरकार नहीं, समस्या ने जाने की है। मेरे विचार से मैंने इसे शिष्यों के पास ले जाने का फैसला किया है और वो उसकी देखभाल करेंगे। वो उसे राक्षसों का संहारक बना देंगे। क्या? पर उसकी उम्र ही क्या है? 2 साल। मैं चाहती हूँ वो अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी जिए। मैं नहीं चाहता कि वो बेमकसद जिंदगी जिए। हाँ, और आप उसे एक दुष्ट दानव के रूप में भी नहीं देखना चाहते हैं। छोटे बाबा, नाश्ते का समय हो गया। अरे नहीं, बच्चा चला गया। क्या, वो चला गया? कितना अजीब है, अब क्या करें? मालिक को सूचित करना होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे बॉर्डन करना आसान है, मैंने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। Thank you.
तस्वीरों में यह दुनिया है। तुम मोटू? चुप, मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। अब बता दो कि तुम भी एक कलाकार है। ये एक जादुई ब्रश है, इसकी मदद से तुम सब कुछ बदल सकते हो। जो भी तुम कल्पना करो। देखो ये दुनिया कितनी दिलचस्प है, बस देखो। और बस इतना ही नहीं, है ना कमाल? यहाँ मैं तुम्हें कुन लुनू का जादू सिखाऊंगा। अपने महागुरु के सामने घुटने टेको। महागुरु? तुम्हें खुद भी आता है कुन लुन का जादू? ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। आबरा का डाबरा गिली गिली छू, जादू से कैची बन जा तू। अब बोल, अब बोले। पर ये केवल छलावा है, क्या आप सीखना चाहोगे? हाँ, जरूर। क्या तुम मुझे ये सिखाओगे? इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो करोगे? सबसे पहले तुम्हें बेसिक जादू सीखना होगा। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बकवास, कुछ मजेदार सिखाओ ना। अगर ये बकवास है तो तुम क्यों नहीं दिखाते एक ही जैसा जादू करके? अच्छा हाँ, मुझे एक झाड़ी पसंद है। आवरा कडावरा बोलो, बोलो बोलो। दरअसल यह बकवास नहीं है, मुझे महारत पाने में 6 महीने लग गए थे। जितना होगा मन शांत उतना ही ज्यादा सीखोगे आप। मास्टर जी, मास्टर जी। मैडम कहाँ है आप? मुझे अपने बेटे से मिलना है। मैं उसे जादू सिखा रहा था। और वो अब कहाँ पर है? ओह वहाँ पर, परंतु वह कहाँ है? बाप रे, क्या वो ही है? बच्चे मैं आ रहा हूँ। ओ बच्चे, ये क्या, इसे क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। ये कैसे हुआ? इसकी धड़कन नहीं चल रही इसकी। ये बलगम, बलगम। हद है, तो ये तुम थे।
तुम उस जादू में महारत हासिल। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। 6 महीने का कोर्स एक ही दिन में कर लिया, ये सच में करामाती है। एक जानवर से बहरूपिया कैसे बनाया तुमने? मैं आपको बताऊंगा अगर आपको सीखना है। चलो सौदा करें, इसके बदले मैं तुम्हें अग्नि तट पर काबू करना सिखाऊंगा। धरती का पटाखा कर दे तू धमाका, जादू तू चला के आग तू लगा जा। बद्दू है बुद्धू। मेरी जीभ सूज गई है, मंत्र बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये अच्छा है मेरे पास इसकी दवाई है। बेटा मैं खड़ा नहीं हो सकता, मुझे इसे प्राप्त करने में मदद करें। जैसे तुमने की थी। वाह, कितना जादुई सामान। ओ, ये एक दिलचस्प बात है। मैजिक ब्रश। ये क्या है? छड़ी। आग वाला भाला। अग्नि का भाला। सावधान रहें, स्पर्श ना करें। और वो क्या है? बचाओ। बेटे फिर से क्यों शरारत कर रहे हो? गुरुजी आप ठीक है ना? मैं देवता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ले जा, अपने घुटनों को झुकाओ और मैं तुमको सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे दानवों की सेना बनाते हैं, जीवों की रक्षा कैसे करें। क्या? दानवों की सेना, जीवों की रक्षा? घंटा, मुझे नहीं सीखना, मुझे जाने दो। तस्वीर से बाहर आप केवल एक जादुई ब्रश की मदद से जा सकते हैं। समझा, आप भी मुझे यहाँ बंद करना चाहते हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? ये एक मजेदार जगह है, जेल नहीं। तुम यहाँ सीखने के लिए आए हो। तुम करो दुनिया की रखवाली, मैं चला सोने। जाओ। बेटे तुम माँ को बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम भी चाहते हो कि सब लोग तुम्हें अपना ले, है ना? उन लोगों की बातें सुनकर बहुत निराशा सी होती है और इसी कारण आप उनसे नफरत करते हैं। हाँ बेटा, वह कहाँ गया? बच्चे, चलो खेलते हैं। वो घर क्यों नहीं है? बाहर कैसे निकला? भागो! डेमन, दानव बाहर जाओ, जानवर राक्षस, राक्षस कहीं के चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुनो, बुरे मत बनो, तुम हमारे राजा बेटे हो। माँ और पिताजी बुराई को नष्ट करते हैं लोगों की रक्षा के लिए। बुराई को नष्ट करना है तो मुझे क्यों नष्ट करना चाहते हैं लोग? और मैं उनके लिए एक दानव हूँ। बेटा तुम, मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताने का सही समय आ गया है। क्या तुम जानते हो कि लोग आपसे क्यों डरते हैं? मामला यह है कि तुम्हारा जन्म मोती की जीवन ऊर्जा से हुआ। हाँ, मोती से, इसीलिए तुम इतने मजबूत हो और सब लोग तुमसे डरते हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे हो? तुम खुद सोचो ना, कोई भी इतना ताकतवर नहीं, फिर तुम ही कैसे? अगर फिर ये बात किसी से क्यों छुपानी? जीवन का मोती बुराई के खिलाफ एक गुप्त हथियार है। तुम यहाँ पर स्वर्ग द्वारा कार्य सौंपा गया है और यह एक बड़ा राज है। जीवन के मोती। मानव हृदय पत्थर नहीं है। जब तक तुम बुराई को नष्ट करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें दानव ही मानेंगे। दो साल बाद। ये डरपोक है। भावनाएं,
बहुत ज्यादा। जाओ उसे दिखाओ। रुके, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और यहां और यहां देखो, वर्मिन को नष्ट करते हुए आपने कई लोगों को धोखा दिया है। ये वास्तविक नहीं है, मुंह मत फुलाओ। इससे पता चलता है कि तुम में असीम ताकत है, तुम्हें बस उसका सही उपयोग सीखना है। गुरुजी, उससे भाला ले लीजिए। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता उसे जादुई हथियार रखना मना है। मैं नहीं कर सकता, अब हटो। सारे जादू मैं खुद कर लूंगा, आपकी अब कोई जरूरत नहीं। आप नहीं कर सकते, अब से महागुरु के साथ ध्यान करें, सद्राव सीखें। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं बुराई का नाश करूं? वो मुझे करने दो, आजाद कर दो मुझे। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। और तुम मुझे कैसे रोकोगे? क्या, मेरा ब्रश ले जा। मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, जो होना हो। नाश्ते का समय हो गया,偶尔才能营养均衡。डीमन, चलो कुत्ते को छोड़ दो। तुम पिद्दी कहाँ थे? तुम्हारी नजरों से दूर। मैं हूँ। छुपा रुस्तम। बाहर आओ, बाहर आओ। रुको, ध्यान से देखें। राक्षस, बाहर निकलो। बाहर मत जाओ, मैं सबको जला दूंगा। रुको, दीदी पकड़ लो। नेजा बच्चा चोर, समुद्र में मेरा कोई पकड़ नहीं है। जान गया, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दानव, जाने दो उसे।
तुम कौन हो? लड़के तुम जाओ, मैं तुम्हारी बहन को बचा लूंगा। बहन? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आजाद हो जाओ। ने पहली बार एक दानव को देखा। तुम कौन हो? मेरे बेटे, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ रुको, तुम यूं ही नहीं जा सकते। बेटा तुम कहाँ? मेरी कोई बराबरी नहीं है। डेमन, लड़की को जाने दो। ऐसा लगता है तुम एक साधारण बच्ची नहीं हो। इसे लो। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। तुम सिंह वाले? ये क्या है? क्या? चारों ओर देखो, तुम दोनों मेरी ताकत दिखाने के लिए धन्यवाद। आपको लगता है कि आप एक हीरो हैं, दानव शिकारी? हाँ, मैं इसे अभी कच्चा चबा जाऊंगा। ठीक है, आओ मुझसे लड़ो। तू तो गया, मेरा जहर तुम पर भी फैल गया है, अब तुम भी पत्थर बन जाओगी। अगली बार मुझसे मत टकराना। चलो, अगर हिम्मत है तो। मुझ पर दया करो, मैं उसकी मारक दवा दे दूंगा। हाँ, ये काफी होगा। क्या बकवास है? ठीक है, और अब उस मूर्ति का क्या करूं? वो दवा मूर्ति के लिए ही थी। क्या, पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। सब नहीं जानते। हाँ, रगड़ो बड़े आराम से, त्वचा मुलायम और रेशमी हो जाएगी, देखना। रुक
को। मुझे माफ कर दो, मैं बस कुत्ते चुराने आया था, ये सब करने का मेरा विचार नहीं था। कहा है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, अगर फिर से शरारत की तो दया नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बच्चे बच्चे, लड़ना चाहते हो? तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। क्या, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ? नहीं नहीं, चलो चलो। मदद के लिए शुक्रिया, और उस छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं आपका एहसान मंद हूँ। हाँ बकवास, मेरा काम न्याय पहुँचाना है, सभी प्रकार के कांडुली राक्षसों का नाश करके। तुम मुझसे डरी नहीं? भैया चलो खेलते हैं। लेकिन क्या? कुछ नहीं, आंख में कुछ गिर गया। आंख में कचरा है, दिखाओ जरा, मैं मदद कर दूं तुम्हारी। बस बहुत हुआ, मेरे माँ के सिवा बस तुम ही हो जो मेरे साथ खेलना चाहते हो। वो बहुत बुरी है, मजाक लगा है ना? हम दोस्त हैं, अगर तुम खेलना चाहते हो तो समुद्र तट पर आकर इसे बजाना, मैं आऊंगा। मेरा नाम अउबीन है और आप? नेचा, नेचा। कोई आ रहा है। कौन? नेजा ने मेरी बहन का अपहरण कर लिया। शुक्र है। मेरी बहन तुम ठीक हो ना? भैया बैंग 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 स्प्लैश स्प्लैश। नेजा तुम इसे क्यों उठा लाए? क्या बकवास है, अगर मैंने दानव को नहीं हरा होता तो वो उसे खा लेते। और तुम्हारा दानव कहाँ है? किसी ने देखा? तुमने देखा? हमें मूर्ख मत बनाओ। सच कहा, मिस्टर ली से शिकायत करना जरूरी है, वो उसे सजा हाँ, देंगे। इसे सबक सिखाया जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, भाग जाओ दानव, यहाँ से जाओ। क्या कहा तुमने? छजू, दानव को मारो मारो मारो, दानव को मारो। महागुरु आ गया, समंदर का सिकंदर। नेजा, मिस्टर ली, नेजा ने गांव में आग लगा दी, सबको पीटा, अपहरण कर लिया, आप उसे कहीं बांध कर रखिए। तुम सब झूठ बोल रहे हो, सब कुछ बकवास। बेटा नहीं, Thank you.
साहब, आप उसे बढ़ावा ना दें, बहुत हुआ। फॉर्म छोड़ा है, न्याय कीजिए। हाँ मिस्टर ली, उसे सजा दो। गुरु, क्या तुमने आज का अभ्यास कर लिया? मैंने 7 बार बर्फ का जादू किया और पूरी तरह से तकनीक में महारत हासिल कर ली। फर्स्ट स्ट्राइक में 7वें स्तर तक बढ़ा। इसके अलावा मैंने समुद्र तट पर मिलने वालों से दोस्ती की। क्या तुम पागल हो? तुम लोगों के सामने नहीं आ सकते। उस इंसान को मेरी और मुझे उसकी फिक्र है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसका नाम है नेजा। कितनी छोटी सी दुनिया है। तुम आज एक मोती दानों से मिले, वो नेजा दुष्ट मोती से उत्पन्न है। उन्होंने 3 साल तक इंतजार किया। प्रलय का दिन निकट है, दुष्ट मोती मृत्यु का काल आने वाला है, और उस दिन तुम पुण्य मोतियों की रक्षा करते हुए चैटन गुहान को बचाओगे। दुष्ट मोती, वो इतना अनुकूल क्यों है? प्राचीन काल में ड्रैगन सभी का सम्मान करते थे। हमने आसमान पर राज किया, तब हम समुद्री राक्षसों से लड़ने के लिए समुद्र के नीचे चले गए। मुझे ड्रैगन राजा का खिताब दिया गया। तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? ड्रैगन का महल। यह वह जगह है जहां लावा के नीचे सभी हारे हुए राक्षस हैं। अद्भुत ड्रैगन महल वास्तव में स्वर्ग की कारागाह। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, सभी राक्षस रिहा हो जाएंगे और हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। ड्रैगन राक्षस भी और स्वर्गवासी उस पर भरोसा नहीं करते, और ड्रैगन के राजा का शीर्षक केवल चूड़ो विश्व का मुकाबला करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि ड्रैगन्स को काबू रखने के लिए किया जाता है। उसे शाश्वत अभिभावक बनने पर मजबूर करना होता है। मेरे बेटे, जीवन के मोती, ये वही पल है जिसका इंतजार हमारा परिवार सदियों से कर रहा था। 1 साल बाद मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता हूँ। ये तुम्हारा प्राप्त है, ये किस्मत का लेखा है। समझे मेरे दोस्त, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना और देवताओं के साथ रहना, तब तुम्हें ड्रैगन्स को रिहा करने की अनुमति होगी। ड्रैगन का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। अपने काल्पनिक मित्र से धोखा मत खाना। मैं छोटा दानव हूँ, मैं सब नुकसान पहुँचाता हूँ, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मारता हूँ। जब सब लोग खाना खाते हैं, इस समय मेरे पेट में एक दाना भी नहीं है। इस समय मेरे पेट में एक दाना भी नहीं है। किसको फर्क पड़ता है? सारी दुनिया गंदी है। मिस्टर यंग, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटा, तुम उदास क्यों हो? मुझे छोड़ दो, मैं दुखी हूँ। इवन उदास और उदास मुझे भी है। खेलना सिखाओगे? बोलो, माँ के साथ खेलोगे? ये विफलताओं से भरा है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मैंने एक नया खेल बनाया है, बूझो तो जाने। बिस्तर से नहीं उठना बेहतर है। बेटा, तुम्हारे जन्मदिन में बस 10 दिन बचे हैं। सभी निवासी आपको बधाई देने आएंगे यहाँ पर। क्या?
वो मेरे पैदा होने से खुश नहीं तो फिर बधाई कैसी? समुद्री दैत्य बड़ा मजबूत, खासकर पानी में, उसकी लार लोगों को पत्थर में बदल देती है। भूल हो गई, आपने सच में दानव को हराया है। सही कहा, और सभी ने समुद्र दैत्य को हराने के लिए आपको बधाई दी है। अरे हाँ हाँ हाँ, एक अच्छे शिष्य के पीछे हमेशा एक महागुरु होता है। सबको अब ये एहसास हो गया है, तो आप अभी भी तैयारी करें। आपने जन्म के दिन के बारे में क्यों कहा? जब आपने उनसे इस तथ्य के बारे में झूठ बोला कि वो मोती से उत्पन्न हुआ है, 2 साल तक तो वो बहुत खुश था। आप उसके अंतिम दिनों को रोशन करें। लेकिन गांव वाले उसे हमेशा के लिए गले लगाने को तैयार हैं। उसके जन्मदिन के लिए कौन आएगा? इसका मैं ध्यान रखूंगा। मैंने देखा है, बलगम जो उसकी बाह पर था वह वास्तव में एक समुद्र दैत्य था। छुट्टी वाले दिन मैं सबको नेझा के अच्छे काम के बारे में बताऊंगा। लेकिन इतने वर्षों से मैं भी इस भूमि पर रहा, मेरे सम्मान में कभी कमी नहीं आई। मैं उन सब से विनती करूंगा कि वो नेझा के जन्मदिन पर उसको सबको मुबारकबाद दें। मैंने सब सोच लिया है। ढूंढ रहे हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे जन्मदिन से 10 दिन पहले सभी चेतनुआ गान वासी जश्न मनाएंगे। तुम्हें भी आना है, ये रहा नक्शा। मिस्टर ली का घर को जानता है। ठीक है, तो तुम आओगे? मैं, मुझे दूसरों की परवाह नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर आओ। क्यों? तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। और मेरे भी तुम ही एकमात्र दोस्त हो, और तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, और मैं सब वो करने की कोशिश करूँगा जो तुम चाहते हो। सब कुछ? आउच, मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन आओ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। भूलना नहीं। नहीं भूलूंगा। वक्त आ गया, समस्या का निदान हो। पिताजी, मगर क्यों? बच्चे, ये हम तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ये ड्रैगन कवच अभेद्य है, और फिर तुम तो महान योद्धा हो ही। अरे क्या सबको एसिडिटी हो गई है? मुस्कुराओ ऐसे। तुम क्या किसी की मैयत में आए हो? मिस्टर ली ने बताया हमें कब करना है संकेत पर।
अच्छा ये हुई ना बात, झकास। ये कैसा बेकार सा चोगा है? क्या मेरे पास मेरा होगा? दानव तुम तो गए। ठहरो ठहरो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे गुरु का भाई हूँ। क्या नाम बताया? सेन गुन गुनगन। अंकल शैंगुन आप यहाँ कैसे? अरे नहीं, सेन गुन बाओ। आज मैं यहाँ सबको अपनी असली पहचान बताने आया हूँ। मेरी असली पहचान? वो अभी भी इसे आपसे छिपाते हैं, है ना? उड़ीदा मेरे राजा बेटे आ जाओ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जानना चाहोगे जन्मदिन पर गुरुजी तुम्हारे लिए क्या उपहार लाए हैं? यह अग्नि शस्त्र है, अब से यह तुम्हारा हुआ। बस यही नहीं, ये शुरू से ही तुम्हारा था, इसे छूकर तो देखो। ओह, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अग्नि चक्कर पहुंचा दे कहीं भी कभी भी, ऐसे छक्के जो आग और हवा से दौड़ते हैं। उस सुअर ने तो तुम्हारे लिए कभी भी ऐसा जादू नहीं दिखाया। बेटा तुम्हारे पास 3 साल है जिंदगी के, मुझे याद है जब तुम मेरे कोख के अंदर थे और अब तुम इतने बड़े और सुंदर हो गए हो। माँ आपको बड़े होते देखना चाहती है। चलो, ऐसी खुशी के मौके पर आंसू क्यों बहाना? पिताजी तुमको एक ताबीज देंगे जो तुम्हें हर विपत्ति और दुर्भाग्य से बचाएगा। पिताजी हमेशा तुम्हारे साथ सख्त थे, पता है तुम उस पर गुस्सा हो, मगर वो कभी नहीं हुए। बेटा ये दिन कैसे बीत गए कौन ही जाने, तुम्हारे भाग्य में केवल नियति का हाथ है, इसलिए हार मत मानना। सब बकवास, मुझे सब पता चल गया है। हाँ बेटा तुम क्या कह रहे हो? दुष्ट मोती अमीशा, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने झूठ कहा कि मैं जीवन मोती की देन हूँ, मैं सबकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तुम मुझे गुमराह कर रहे थे कि 3 साल पूरे हो और मेरी मृत्यु का दिन आए। तुम लोगों को बस अपनी इज्जत और इन बेवकूफ लोगों की फिक्र थी। ये अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? तुम अजीब हो गए हो। ओ चलो 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 चलो, दावा शुरू करते हैं, खाना और पीना। तुम मानना नहीं चाहते, ठीक है ये दिखावा करते रहो। सूरज और चंदा की असली ताकत दिखा दो मेरे अंदर की चाहत। किसने सिखाया? नेब सैन्या का उत्थान हो। मेरे पास ना आना। Oh!
रही हो? किसी ने इसकी दुष्ट ताकतों पर काबू कर लिया है, केवल वो कड़ा ही इसे रोक सकता है। ढूंढो कड़ा, अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो मेरे पास है। स्वर्ग का अभिशाप ही दुष्ट मोती को नष्ट कर सकता है। जब वो ताई ताई और माता पिता को मारता है तो तुम जाकर उसे रोकना, शाप पूरा हो जाएगा और सब लोग तुम्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में महिमा मंडित करेंगे। सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे और इज्जत देंगे। ये जो भी हो रहा है उसमें ताई मिस्टर ली और उनकी पत्नी का कोई दोष नहीं है। हाँ, और जानकर हैरानी होगी, और वो फिर भी शाप से मर जाएगा। तुम्हें फर्क पड़ता है? वो फिर भी शाप से मर जाएगा। क्या तुम ताई ताई और दंपत्ति ली से मेरा बदला नहीं लोगे? जोंग तियान के शिष्यों में मैं सबसे ज्यादा मेहनती था। कहने को तो मैं गुरु का परम शिष्य था, मगर उन्होंने कभी मुझे लायक ही नहीं समझा। और क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं वास्तव में दानव तेंदुआ हूँ, और केवल मैं ही जादू से इंसान बना सकता हूँ। तुम्हारी ही तरह मुझे भी एक दानव माना जाता है। लोग मन में कुछ भी सोचकर भयभीत हो जाते हैं, और आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उनकी सोच नहीं बदल पाते। उनके भाग्य पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो सब मतलबी हैं। महागुरु, नेझा ने मेरी जान बचाई, और अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो मुझे उसके माता पिता को बचाने दीजिए। ठीक है, चलो चलते हैं। और सुनो सुनो, वापस लौट के मत आना, और ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। जब सबको सच पता चलेगा, मरो मेरी बला से, सब मरो। कहाँ वो, कहाँ है? पटाके फूटने की बारी थी, अभी तक नहीं फूटे। इंतजार करो संकेत के लिए। हाँ बिल्कुल। कड़ा पहनाओ मुन्ना, जो पहने हुए है ताबीज, कंगन के जादू के फंस जाए वो बीच। पकड़ो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ
एक मिनट रुकिए, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। ये मायने नहीं रखता, रहने दो। ये जाम आपके नाम। क्षमा करें, मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी। मुझे माफ करना, साफ कर देता हूँ। नहीं, रहने दो। सींग वाला, क्या उसने समुद्र के तल से ड्रैगन निकाला था? क्या किसी ने देखा था? मुझे तुम पहले ही जाने पहचाने लगे थे, और जीवन मूर्ति देखकर मुझे यकीन हो गया। तो यह बात है, ड्रैगन ने जीवन रत्न चुरा लिया है। क्या तुम बच सकते हो सजा से? मैं यानाजुन को बताऊंगा निशेष ड्रैगन्स के बारे में। राक्षस का भी एक राक्षस होता है, इसीलिए उन्होंने धोखा देकर स्वर्ग लौटने का फैसला किया। इस बार जेम्स टीएन को उन्हें नष्ट करना होगा। अब देखो, ये सब खत्म हो जाएगा। वो तुम ही हो। और क्या चार लोगों की मौत से ये सब खत्म हो सकता है? पछतावा हुआ, और परिणाम क्या निकला? उन सभी को मरना होगा। तो तुम इसलिए यहाँ आए हो? ये तो विधि का विधान है, मैं छिपाऊंगा नहीं। मैंने मोती चुरा लिए। चलो आमबीन, मेरे शिष्य। तुम पागल हो, महागुरु की सजा से नहीं डरते? मुझे क्यों डरना चाहिए? तुम सब मरने वाले हो, मेरी शिकायत कौन करेगा? मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो। बेटे, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? संपूर्ण चेतन ग्वान को तबाह करना चाहता है। चेटन ग्वान में काफी समय बीत चुका है, हमें सब जल्दी ही करना होगा। चलो उस लड़के की मदद करते हैं। तुम बस आते जाते हो। चलो बात करें, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का दिया अभिशाप हट नहीं सकता, मगर कोई और रास्ता जरूर होगा, बंटवारे का जादू करके। वो कुछ नहीं जानता, बस डींग मारता है। मैं तुमसे बहुत मजबूत हूँ, मैं एक वरिष्ठ छात्र हूँ, मुझे वो भी पता है जो तुम्हें नहीं पता। तुम देखो, मैं तुम्हें साझा करने का एक मंत्र लिख कर देता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है, और उस पर एक पर डालना और दूसरा वोल्टेज पर, और उसकी आत्मा बच जाएगी, पर किसी को बलिदान करना होगा। मिस्टर ली, आप क्या कर रहे हो? मैंने झा के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, कृपया ये बात मेरी पत्नी को मत बताना।
只求此事。मिस्टर ली, आप हमेशा नेजा को नहीं बचा सकते। बुराई के मोती मानव दुनिया को नष्ट कर देंगे। टीन अंसरैंकी अभी भी वापस नहीं लौटे। बुराई का मोती, बाकी दो साल नेजा को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। लोगों ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया। नहीं नहीं, अगर तुमने मना किया तो मैं नेजा के साथ ही मर जाऊंगा। लेकिन क्या यह संभव है? और नेजा ने तुम्हारा लगता क्या है? वह मेरा बेटा है। करो, काफी मजबूत कवच है। सिर पर वार करो। अब ये संभालो। शिंगुआन, वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं शेगुन बाओ। शेगुन बाओ ने जीवन के मोती को चुरा लिया और एबॉन बीन के शरीर में डाल दिया, और वो पूरे चेटोगान को दफन कर देना चाहते हैं। रुकिए। तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है, तुम जीत नहीं पाओगे। चुप रहो, मैं जीतने नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें हार माननी होगी। ठीक है, अब बहुत हुआ। छात्र, रुक जाओ। ये मेरी गलती है। नेचा, ये कैसा कपड़ा है? छेद क्यों नहीं हुआ? आंखों का भ्रम। आओ आओ, दानव दया की उम्मीद मत करो। भाई, हार मान लो, मैं तुमसे बड़ा हूँ ना। लेकिन तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। बारवा स्वामी मुझे होना चाहिए। ओ, तो महागुरु ने तुम्हें एक जादुई तस्वीर भी दी। अभी भी क्षमा याचना कर लो। तस्वीर मजबूत है, लेकिन सही हाथों में है। रुकिए। पकड़ लिया। तुम पागल हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। शांति, तुम मुझे दो बार पकड़ नहीं पाए हो।
शेष मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले जीत के दिखाओ। तुम हार गए तो ये अच्छा नहीं होगा। गुरु मैं योग्य नहीं हूँ। क्या लगता है ये पुरस्कार तुम्हें क्यों मिला? महागुरु कितना सौभाग्यशाली है। नहीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा महागुरु। महागुरु मैं नेजा। ओ ये आप हैं। हम यहाँ से निकलते हैं। बिना जादुई ब्रश के बाहर नहीं निकल सकते। पकड़ो। अपना ब्रश पकड़ो। मैं आपकी मदद करूंगा। एक ब्रश ले। पेट में गैस मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। मेरे पास बहुत हवा है। और वह सब कुछ नहीं है। अच्छा पकड़ो। आप नहीं जानते इसे कैसे आकर्षित किया जाए। और तुम जानते हो कि छे को कैसे आकर्षित करना है? सूरज और चंदा की असली ताकत दिखा दो मेरे मन की चाहत। स्वर की ताकत मेरा साथ दो। सारी शक्तियाँ जागृत हो।
विरोध मत करो। तुम्हारा जन्म दानव के रूप में हुआ है, यह आपकी नियति है। नियति गई भाड़ में, मैं नियति खुद लिखूंगा। कोई देवता या दानव नहीं, मैं खुद लिखूंगा। क्यों नहीं रहे? मैंने कहा तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। ऐसा लगता है मेरा समय आ गया है, चले जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम जीवन के मोती हो, मैं दानवों के लिए खतरा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं दानव पैदा हुआ था, यही मेरी तकदीर है। बकवास, मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं, तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे, मेरे पिता ने सिखाया। और अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो लड़ो। बेटा। बेटे, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी जिंदगी है और मेरी समस्या। नहीं बेटा, ऐसा ना करे। और क्या समस्या है? 3 साल बहुत लंबा समय नहीं है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे केवल इस बात का पछतावा है, तुम मेरे साथ खेलते नहीं थे। तुम मेरे साथ हंसे नहीं, आज रोने की जरूरत नहीं। शर्म करो। पिताजी, माँ, धन्यवाद। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, बेटा। नहीं, बेटा। मर जाओगे। चलो योबिन, तुम पागल हो। ड्रैगन कवच।
बुद्धू, सब कुछ खत्म होने वाला है, तुमसे फिर कभी निपटूंगा। क्यों वर्थी मरते हो, तुम मूर्ख नहीं हो? नहीं, वरना तुम्हारे दोस्त नहीं होते। बनाकर वे आकाश के बल को सोख रहे हैं। किसे पता था कि मोती इतने मजबूत होंगे। मैं और अधिक खड़ा नहीं हो सकता। मैं अब और नहीं कर सकता, रोक दो। हाँ, ये मेरी सीमा है। मेरे बेटे, बेटा। वे विरोध करने में सक्षम है। मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा अगर मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मरा नहीं हूँ। नहीं, आप दोनों मर चुके हैं। इंद्र कमल आपके शरीर को नहीं बचा सका, लेकिन आपकी आत्मा को बचा कर रखेगा। हद है, मैंने अपनी सारी ताकतें खो दी सैकड़ों सालों तक अभ्यास के बाद भी। क्यों, क्यों किया ऐसा तुमने? अगर आप मुझसे पूछें कि क्या आदमी अपनी किस्मत बदल सकता है, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ऐसी है किस्मत नेजा की। कब फोड़ेंगे? सिग्नल अभी तक नहीं मिला है। और संकेत क्या है? बिल्कुल सही, संकेत क्या है?
मेरा बेटा एओबेन, हम इस अवसर का सदियों से इंतजार कर रहे थे। मैं चेटन गुआन के खून में नहाना चाहता हूँ। और जोर से चिल्लाओ, जितनी हिम्मत है चिल्लाओ, यहाँ से तुम्हारी आवाज से बाहर नहीं जाने वाली। यहाँ कैद करने से पहले वो हमारे पंख कुतर देते हैं। चलो एक सौदा करते हैं, बड़े भैया। अभी भी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं। जांग जिया, तुम उसके पाप के बारे में जानते हो।